गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और आज हम पढ़ेंगे डेली करंट अफेयर, और आप पढ़ रहे हैं पावर पॉइंट स्टडी। पावर पॉइंट स्टडी में मेरा नाम है शशांत, ठीक है। और आज है 14 दिसंबर, और हम पढ़ेंगे 13 दिसंबर की डेली करंट अफेयर, ठीक है। इसमें अपन पहला पॉइंट, रेड बुल के मैक्सवेल कौन? रेड बुल के मैक्स, रेड बुल के मैक्स बेरिस्टपन, बेरिस्टिपेन। इन्होंने क्या किया? बेरिस्टिपन, बेरिस्टिपन सही गलत लिखा ये, ओके बेरिस्टिपन। इन्होंने क्या किया? इन्होंने 12 दिसंबर को आबू धाबी के, कहाँ पे? 12 दिसंबर को आबू धाबी, ठीक है। कहाँ पे आबू धाबी? अरब में। आबू धाबी के ग्रांड प्रेक्स, ठीक है, आबू धाबी के ग्रांड प्रेक्स में फॉर्मूला वन का खिताब जीता। किसका? फॉर्मूला वन का खिताब जीता। किसने जीता? मैक्स वेरस्टैपेन ने। किसका? आबू धाबी के ग्रांड प्रक्स में फॉर्मूला वन का किताब जीता। उन्होंने किसको हरा के जीता? उन्होंने लुइस हैमिल्टन, उन्होंने लुइस हैमिल्टन को हराकर यह किताब जीता। कौन सा किताब जीता? रेड बुल के मैक्स वेल्टन ने आबू धाबी के ग्रांड प्रक्स में फॉर्मूला वन का किताब जीता। किसको हराकर? लुइस हैमिल्टन को हराकर, और इसमें जीत गए, ठीक है। और ये अभी तक के बेस्टपन के 10 जीत के साथ इन्होंने इस सीरीज को अपने नाम किया, ठीक है। इनके नाम पर 10 जीत, मतलब इन्होंने 10 जीत के साथ इस सीजन को अपने नाम किया। इसमें उन्होंने 10 बार फॉर्मूला वन को जीता, ठीक है। और इसमें एक पॉइंट और है, 22 रिकॉर्डेड रेस के बाद, 22 रिकॉर्डेड रेस के बाद वेरस्टैपेन मैक्स वेरस्टैपेन का अंक कितना, स्कोर कितना रहा? 9.93, 395.5 अंक रहा, ठीक है। इनका स्कोर कितना रहा? 5.5। इन्होंने फॉर्मूला वन रेस को जीता। कितनी तारीख को? 12 दिसंबर को इन्होंने फॉर्मूला वन को इसको जीता, ठीक है। किसको हराकर? लुइस हैमिल्टन को हराकर इन्होंने जीता। आत्मनिर्भर भारत रोजगार, आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत, ठीक है, रोजगार योजना के तहत, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना जो प्रधानमंत्री के द्वारा चलाई गई है, इस आत्मनिर्भर रोजगार योजना में अभी तक महाराष्ट्र किस नंबर पर रहा? ये नंबर 1 पर रहा, ठीक है, सूची में लाभार्थी। इसमें सबसे ज़्यादा बच्चों को लाभ मिला है जिनको रोजगार प्राप्त हुआ है, ठीक है। इसके बाद कौन रहा है? इसके बाद रहा है गुजरात, तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु। तीसरे पे कर्नाटक, ठीक है, फिर यूपी। मतलब इन्होंने 5 लोगों की, टॉप 5 लोगों की सूची जारी की है, जिसमें आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना में महाराष्ट्र पहले नंबर पर, गुजरात दूसरे पे, तमिलनाडु तीसरे पे, कर्नाटक चौथे पे, यूपी पांचवें पे रहा, ठीक है। और महाराष्ट्र का प्रति वर्ष, नहीं, महाराष्ट्र में कितने लाभार्थी हैं? 0.64 मिलियन लाभार्थी
रही, किस में रही? महाराष्ट्र में 0.6 मिलियन। और यार पूरा पूरों का कितना कोल है, पूरा मतलब पूरा अभी तक आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत कितने लोगों को वो मिला, कितने लोग, कितने बच्चों को कुल लाभार्थी मतलब टोटल लाभार्थी कितने रहे? 3.97 मिलियन, 3.97 मिलियन लाभार्थी रहे, ठीक है। और सबसे कम लाभार्थी किस राज्य में? पूर्वी उत्तर राज्य, तमिल, नागालैंड, नागालैंड कौन से राज्य है? पूर्वी उत्तर, पूर्वी उत्तर राज्य नागालैंड में, जिसमें सबसे कम लाभार्थी रहे, कितने? 43, बस 43 लाभार्थी इसमें रहे, किसमें? नागालैंड, जो कि पूर्वी उत्तर के, पूर्वी उत्तर में नागालैंड, इसमें 43 लाभार्थी ही रहे, बस ओनली 43। ठीक है, पैरा एथलीट्स अभी जो चल रही है, पैरा एथलीट्स में पैरा एथलीट में पैरा एथलीट चल रही है, जो कहाँ पे चल रही है? पैरा एथलीट में, पैरा एथलीट में चंदीप सिंह, चंदीप सिंह ने क्या रजत जीता। पैरा एथलीट जो कि चंदीप सिंह है, इन्होंने रजत जीता। क्या जीता इन्होंने? रजत, इन्होंने रजत जीता, ठीक है। और ये पैरा वर्ल्ड, और ये कहाँ पे चल रही है? पैरा वर्ल्ड ताइक्वांडो, पैरा वर्ल्ड ताइक्वांडो चैंपियनशिप में, चैंपियनशिप में इन्होंने पैरा वर्ल्ड ताइक्वांडो चैंपियनशिप में इन्होंने रजत जीता। किसने? पैरा एथलीट चंदीप सिंह ने रजत जीता, ठीक है। यह उपलब्धि हासिल करने वाला भारत पहला, मतलब भारत ने यह उपलब्धि हासिल करने वाला जम्मू कश्मीर के पहले पहले पैरा एथलीट बने। किसके? जम्मू कश्मीर के, ये पहले पहले मतलब हम पहले पैरा एथलीट बने, ठीक है। भारत के जम्मू कश्मीर के ये पहले पैरा एथलीट हैं जिन्होंने रजत जीता, ठीक है। और इसमें पैरा वर्ल्ड ताइवीन ताइक्वांडो चैंपियनशिप में इतिहास में, मतलब अभी तक के इतिहास में यह भारत का पहला पदक है, भारत का पहला पदक है। कौन सा? रजत, मतलब अभी तक भारत ने इसमें पहला पदक जीता है अभी तक के इतिहास में। किसमें? पैरा वर्ल्ड ताइक्वांडो चैंपियनशिप में। किसके द्वारा जीता? चंदीप सिंह के द्वारा रजत जीता गया, ठीक है। हरनाज सिद्धू ने, भारत की हरनाज सिंधु ने क्या जीता? इन्होंने जीता मिस यूनिवर्स। कौन सा? मिस यूनिवर्स 2021 का किताब, ठीक है। किसने जीता? भारत की हरनाज सिंधु मिस यूनिवर्स 2021 का किताब जीता, ठीक है, ठीक है। इन्होंने 2021 का किताब जीता। इन्होंने 2000 में यह किताब, अभी तक भारत में कितनी बार जीत चुके हैं, ठीक है। सन 2000 में यह किताब किसने जीता? किताब है किताब, यह किताब किसने जीता? लारा दत्ता, लारा दत्ता। और
दो दशक और चंडीगढ़ की रहने वाली। यह 2000 में यह किताब किसने, लारा दत्ता ने जीता। और यह दो दशक के बाद, यह किताब हर नाज सिंधु मिस यूनिवर्स 2021 का किताब इन्होंने जीता। ठीक है, कितने, दो दशक बाद, पूरे दो दशक बाद इन्होंने इस किताब को दोबारा जीता। ठीक है, किसको हरा कर जीता इन्होंने, फरांगे और दक्षिण अफ्रीका। फरांगे और दक्षिण अफ्रीका के प्रतियोगिता को हराकर इन्होंने ये किताब जीता। ठीक है, और ये कहाँ की रहने वाली हैं, ये हैं, ये है चंडीगढ़ की रहने वाली। कहाँ की हैं, चंडीगढ़ की रहने वाली हैं। ठीक है, इससे पहले 1994 में इसको किसने जीता था, सुमिता सेन ने। मतलब अभी तक इंडिया ने तीन किताब ही जीत पाए हैं मिस यूनिवर्स 2021 के किताब में। पहले जीता था सुमिता सेन 1994 में, ठीक है, 2000 में यह किताब जीता लारा दत्ता ने, और 2021 में यह किताब जीता हरनाज संधू ने। ठीक है, ठीक है, पीएम ने 13 दिसंबर, पीएम मोदी, ठीक है, इन्होंने किया, पीएम मोदी ने कितनी, 13 दिसंबर को इन्होंने कहाँ पे, यूपी के वाराणसी में 2 दिवसीय यात्रा पर, यूपी के वाराणसी, में 2 दिन की यात्रा पर है। ठीक है, इन्होंने क्या किया वहाँ पे, यूपी के 2 दिवसीय यात्रा पर इन्होंने क्या किया, इन्होंने कायांत कल्प, कायाकल्प, रूपांतरित, ठीक है, कायाकंत रूपांतरित, श्री काशी विश्वनाथ, श्री काशी विश्वनाथ, श्री काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण किया। किन्होंने किया, पीएम मोदी ने कायाकल्प रूपांत श्री काशीनाथ रूप का दर्शन किया, और इन्होंने इसके लगभग निर्माण के लिए, इनके फर्स्ट फेज में, कौन से, पहले पेज के निर्माण के लिए, पहले फेज के निर्माण के लिए सरकार ने कितना, 347 करोड़ रुपए आवंटन किए। ठीक है, इसमें क्या होगा, 347 करोड़ रुपए में, इसमें 347 करोड़ रुपए में ये होगा कि 20 से 25 फुट चौड़ा, फिट चौड़ा कॉरिडोर, होगा। ठीक है, वो गंगा पर, और यह गंगा पर लालिता घाट, कहाँ पे, गंगा के लालिता घाट को मंदिर, के चौक से जोड़ेगा। ठीक है, कितने रुपए खर्च किए, 339 करोड़ रुपए खर्च किए, कितने, 20 से 25 फीट चौड़े कॉरिडोर और गंगा पार लालिता घाट को मंदिर के चौक से जोड़ने के लिए पीएम मोदी ने इस सौगात को दिया है। ठीक है,
और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्चर, ठीक है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्चर, ठीक है, और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च रीजनल, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रीजनल और मेडिकल रिसर्चर, मेडिकल रिसर्चर सेंटर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रीजनल और मेडिकल रिसर्चर, ठीक है, ने और डिब्रूगढ़, ठीक है, डिब्रूगढ़ के वरिष्ठ वैज्ञानिक के वरिष्ठ वैज्ञानिक, इनका नाम बहुत ध्यान से सुनना, वैज्ञानिक डॉक्टर डॉक्टर विश्वजीत विश्वजीत, क्या नाम है, विश्वजीत वो का टिक्की, ठीक है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक ऐसी किट का, इन्होंने कि नेतृत्व में एक ऐसी किट का आविष्कार हुआ, एक ऐसी किट का आविष्कार हुआ, एक किट का आविष्कार किया, ठीक है, इनके नेतृत्व में, इनके नेतृत्व में एक ऐसी किट का आविष्कार हुआ जो कि 100% ओमिक्रॉन वेरिएंट का पता लगा दे, ठीक है, कितने, दो घंटे में ओमिक्रॉन वेरिएंट का पता लगा दे, ठीक है। ये किट 100% मतलब ये होगा तभी बताएगा, नहीं तो नहीं होगा, मतलब 100% ये शुद्ध है, मतलब सौ, मतलब इसकी गारंटी पूरी तरह से है। अभी तक 36 घंटे लगते थे, ठीक है, इसको, मतलब कि ये वायरस है, अनुक्रमणों को, लक्षणों को पता करने में, इसके वायरस के लक्षणों को पता करने में 36 घंटे, और वेरिएंट को पता करने में कम से कम 4 से 5 दिन का समय लगता था। अब इस किट के आविष्कार से इसको 2 घंटे में इसका पता लगाया जा सकता है कि ये वायरस है या और कोई सा वायरस है, ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, और लाइक और शेयर करना ना भूलें।